तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पोहा में यहाँ पे शक्कर डल चुका है, नमक डल चुका है और नींबू जो प्रॉपर लाइम जूस है वो डल चुका है। और तो आप समझ गए होंगे पोहा बनने जा रहा है अच्छे से प्रॉपर इसको मिक्स करते हुए। और ये खास चीज़ है यहाँ पे कि इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है। अब पोहा पड़ते हुए यहाँ पे ये अपना जीरा डल गया, सॉरी राई डल गया, ये हो गया सौंफ, अब डल रहा मिर्ची और ये हो गया मीठी नीम की पत्ती। हाँ हाँ क्या बात है, मीठी नीम की पत्ती पड़ते ही जो खुशबू आती है वो पोहे की ना जान आ जाती है। तो गाइस आप लोग भी काफी पसंद करते होंगे मीठी नीम की पत्ती, मैं इधर तो यही बोलते हैं, आप लोग इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। फिलहाल तो ये प्रॉपर अच्छे से मसाले तैयार करते हुए और वहाँ पे अपना पोहा रेडी हो चुका है जिस तरीके से उन्होंने मिक्सचर विक्सर किया। ये अपना हल्दी हो गया। तो एक खास बात यहाँ की ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आता है तुरंत बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एक 50-60 लोगों के लिए एक बार बना लिया और फिर गरम गरम करके दे दिया। ये यहाँ की खास बात है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आना पसंद कर रहा हूँ। ये क्या है, चाट मसाला, चाट मसाला है ठीक है। ये डल गया अपना पोहा, यहाँ पे गाइस कौन कौन है पोहा लवर वो बिल्कुल जरूर बताएं और किस तरीके से आप लोग बनाते हैं इसे। ये अपना पुणे स्टाइल है भाई, आप जो शायद पुणे से हैं बेसिकली, तो बोले पुणे में हम काफ़ी इस तरीके का बनाते थे, लोगों को खिलाते थे। उन्होंने बताया कि हम आलू नहीं डालते इसमें। अब डलेगा इसमें मूँगफली, ये फ्राई मूँगफली पहले से रखते हैं। तो गाइस कौन कौन यहाँ पे एकदम लाल, मतलब ऐसा हो गया कि बस खाना ही है, तो बिल्कुल आप लोग, मैं जगह का नाम बता देता हूँ अपना, ये 264 यहाँ पे डोसा की वैरायटी तो मिलती है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के मिलते हैं, डोसा भी आपको सर्व होता है। भी क्या रुपये प्लेट है पोहा, 35 रुपीज़ प्लेट है गाइस। और आप लोग क्वान्टिटी देख सकते हो, अच्छा मॉर्निंग में 30 और इवनिंग में 35, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो गाइस आप लोग मॉर्निंग में 30 रुपीज में ये स्वाद ले सकते हैं। और आप लोगों ने देखा पोहे में पहले से ही शक्कर, नमक और नींबू जो अपना लाइम है वो पहले डल चुका है, तो ये प्रॉपर अब रेडी हो चुका है। ये डल गया अपना धनिया पत्ती, बस मतलब बोले तो बाहर आ गई, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। बस ये हो गया हमारा पोहा रेडी, आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, खा के देखते हैं कैसा लगता है। आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता देता हूँ, ये अपना गौरवपथ रोड है जो एग्जैक्ट वहीं पर है, फूड लाइब्रेरी आप जान रहे होंगे जहाँ चाय सुट्टा बार है वहीं पे है। ये डला प्याज हमारा बहुत ही बढ़िया, और उसके बाद डल जाती है, अरे क्या बात है, भुजिया सेव डल गई है, अब इससे स्वाद अलग ही हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल टेस्ट। ये हो गया अपनी खड़ी मिर्ची, हरी खड़ी मिर्ची, लाल मिर्ची। तो गाइस कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये अपना हो गया 264, तो बिल्कुल गाइस आप लोग आइए यहाँ, एंजॉय करिए और बताइए टेस्ट कैसा लगा। ओके दोस्तों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।